हे एवरीवन, आज मैं सिखाने वाली हूँ अब ब्लाउज के आगे वाले पल्ले की सिलाई कैसे करते हैं। तो देखिए, अस्तर को मैंने गले के यहाँ से अटैच कर लिया है। अब रह गया है प्लेट लगाना। तो इस तरह से मैं कपड़े को फोल्ड की हूँ और यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। पहला मैंने डॉट लगा लिया है। अब ये दूसरी साइड नीचे का है, तो उसको मैं यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा चुकी हूँ। इसमें भी अब रह गई साइड वाली, जिधर हमारी साइड रहती है उस साइड रह गई है। तो इस पे भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो रह गया है अब आर्म होल की साइड। यहाँ पे भी मैं इस कपड़े को इस तरह से पकड़ी हूँ, यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो देखिए, ये पूरा डॉट लग चुका है इस पे। अब यहाँ पे रह गया इसका बेल्ट लगाना। तो ये मेरा अस्तर का कपड़ा है, तो इसे मैं अंदर की साइड इस तरह से रखूँगी और जो मेन कपड़ा है उसको ऊपर सीधी साइड रखूँगी। और तीनों कपड़ों को इस तरह से आपको पकड़ना है बराबर से, इस तरह से पकड़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से तीनों कपड़ों को पकड़ते हुए जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो हमेशा ध्यान दें कि कोई भी कपड़ा, बीच वाला जो ब्लाउज का कपड़ा है, वो खिसके नहीं, वो अस्तर और मेन कपड़े के साथ अटैच हो जाए बराबर। तो इस तरह से मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। इस कपड़े को मैंने इस तरह से अब सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे एक और सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए, ये अंदर इसका जो भी मार्जिन है अंदर की साइड चला गया है, ना ही ये उल्टी साइड है, ये बीच में है, अंदर की साइड भी नहीं देखेगा। तो देखिए, इस पे आप एक या दो सिलाई लगा लें। तो मैं इस पे एक सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे। अब इधर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं छाट लूंगी। यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी हुक वाली पट्टी। तो हुक वाली जो पट्टी है उसको अंदर की साइड लगाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगाया और जो भी मार्जिन का साइड है उसे मैं पट्टी की साइड कर रही हूँ और उस पर एक और सिलाई लगा लेती हूँ। फिर इसे डबल फोल्ड किया, इसके ऊपर ले जाकर ब्लाउज के ऊपर इस पर एक और सीधी सिलाई लगा लेनी है आपको। तो ये जो भीतरी पट्टी है ये हुक की साइड की पट्टी है, और आई वाली जो पट्टी आप लगाएंगी तो वो निकली हुई पट्टी रहती है, बाहर की तरफ निकली हुई रहती है, ये अंदर की साइड लगती है पट्टी। तो ये हुक की पट्टी लग चुकी है। अब नीचे रह गया है इस पे सिलाई लगाना। अगर आपकी लंबाई कम पड़ रही हो, ब्लाउज का कपड़ा ज़्यादा है और अस्तर का कपड़ा कम हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा थोड़ा सा चौड़ा लिया है पट्टी, इस पे सीधा सिलाई लगाया। अब मैं इसे फिर से इस तरह से सीधा करूँगी। जो मार्जिन है इसका पट्टी की साइड मैंने करके सिलाई लगाया। अब ये जो अस्तर का कपड़ा है पट्टी वाला, तो इसको मैं ब्लाउज से अटैच करते हुए यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लूँगी, और जो आगे वाला एक्स्ट्रा है उसे अंदर की साइड फोल्ड करना है। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये ब्लाउज बन गया है, पूरा फाइनल हो गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको मैंने कट कर लिया है। आगे पट्टी भी लग गई, सिर्फ इसमें रह गया है पाइपिंग की पट्टी लगाना। तो वो जब बैक पार्ट रेडी करूँगी तो पूरा साथ में पाइपिंग लगाऊंगी। तो उसकी वीडियो देखनी होगी तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो इसकी सिलाई अगर समझ में आ गई होगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।